Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and your brother, the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Welcome back in another new video. So today's topic is cell theory. So in this particular video, we basically talk about cell theory, each and every things with related to cell theory. So first we read what written in NCERT textbook, after that elaborate each and every thing with simple and easy manner. So cell theory kisne diya tha, cell theory ko modify kisne kiya tha, sari ki sari cheeje main aapko in details mein bataunga. So chaliye shuru karte hain without wasting any time. So in 1838, Matthias Seldon, a German botanist, examined a large number of plant and observed all plant are composed of different kind of cell which form tissue of the plant. है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1838 में, कब 1838 में मैथियस सिल्डन साहब थे जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे. इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, है ना, प्लांट के पार्ट को ऑब्जर्व किया और देखा कि जो प्लांट, सारे के सारे प्लांट जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने हुए थे, यानी अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बने हुए थे. और वो अलग अलग टाइप की सेल जो थी वो क्या बना रही थी, प्लांट का टिश्यू बना रही थी. मैंने आपको बताया था कि जो सेल से होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है. सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी बनती है, यानी इंडिविजुअल की बॉडी बनेगी. वो प्लांट की बॉडी हो सकती है या एनिमल की बॉडी हो सकती है. ठीक है, तो यानी मैथियस सिल्डन साहब थे वो कहाँ के थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे. और कब उन्होंने अपना ये एग्जामिन किया प्लांट पे, प्लांट सेल पे अध्ययन कब किया, 1838 में किया. ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये जो सिल्डन साहब थे जर्मन के थे या ब्रिटिश के थे, क्योंकि जो हमारे सॉन्ग साहब हैं वो ब्रिटिश के हैं, वो आगे चल के बताऊँगा मैं. ठीक है, बट ये जर्मन के हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है. तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, जो सिल्डन में क्या आ रहा है, इसके नाम में, इनके नाम में ई आ रहा है, और जर्मन में भी क्या आता है, जर्मन में भी क्या आता है, ई आता है. तो इससे हम मेमोराइज कर लेंगे कि सिल्डन साहब जो थे वो जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल पे अध्ययन किया था, यानी प्लांट पे अध्ययन किया था. ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी समय थियोडोर सॉम साहब थे जो कि ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे. इन्होंने अपना अध्ययन कब किया, 1839 पे किया. ये जूलॉजिस्ट हैं तो ये किस पे अध्ययन करेंगे, ये जूलॉजिस्ट हैं तो इसमें एनिमल पे ये स्टडी करेंगे. ठीक है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल की स्टडी की, डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल की स्टडी की और देखा कि डेड सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. और इन्होंने देखा कि सेल के बाहर एक थिन आउटर, यानी सेल के बाहर एक पतली सी झिल्ली की तरीके लेयर है, जिसको इन्होंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला. तो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉन साहब ने क्या देखा था, सॉन साहब ने किसकी खोज की थी, सॉन साहब ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी. ठीक है, जो कि जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पर अध्ययन किया था, है ना, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पर अध्ययन किया था. ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट, और इन्होंने भी अपनी स्टडी कहाँ पर की, स्टडी ऑन प्लांट पे भी की, और कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, डेट द प्रेजेंस ऑफ वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, है ना. इन्होंने ये देखा कि जो सेल वॉल पाई जा रही है, प्लांट में सेल वॉल पाई जा रही है, उसका एक ये यूनिक कैरेक्टर है. प्लांट की सेल वॉल जो पाई जाएगी, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही पाई जाएगी, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. एनिमल सेल में सेल वॉल जो होगी अब्सेंट होगी, क्या होगी, सेलवाल जो होगी अब्सेंट होगी, एनिमल सेल में जो होगी सेलवाल अब्सेंट होगी. सेलवाल सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, प्लांट सेल में ही पाई जाती है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, सॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस डेट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, है ना. इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बताया, सॉन साहब ने ये बताया
कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है ना, ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, देखो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होगी, ये सॉन साहब ने बताया, ठीक है। और उनके बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, जिस हाइपोथेसिस का क्या नाम हुआ, उन्होंने ये बोला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होती है कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे कि सॉन साहब ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसका नाम क्या था, वो कि कंपोज ऑफ सेल जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है वो सेल से मिलके बने होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सेल यानी सेल के मिल से सेल से मिलके बने होते हैं और सेल के बने होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट में पाई जाएगी, एनिमल में नहीं पाई जाएगी, ठीक है, ये किसने बताया था, सॉन साहब ने बताया था। आगे देखते हैं, फिर इन्होंने सिल्टन और सॉन साहब ने दोनों मिलके क्या सेल थ्योरी दी है ना, सिल्डन सॉफ्ट साहब ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी कब दी गई, सेल थ्योरी कब दी गई, सेल थ्योरी दी गई 1839 है ना, 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की गई है ना, 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया, किसने किया, सिल्डन और सॉन साहब ने मिलके, ठीक है। सिल्डन एंड सॉन टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, सिल्डन और सॉन साहब ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया यानी सेल थ्योरी दिया, ठीक है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, है ना, ये सिल्डन साहब ने जो थ्योरी दी, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करने में असफल रही है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नई सेल कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, कि नई सेल कैसे बनती हैं, ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए सिल्डन साहब की थ्योरी। तो उसके बाद क्या हुआ, रुडोल्फ विर्चोस एक साइंटिस्ट थे है ना, रुडोल्फ विर्चोस साहब एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये बताया कि सेल थ्योरी मतलब सेल जो बनती है वो कैसे बनती है, उन्होंने ये बताया सेल द रुडोल्फ विर्चोस 1855 में 1855 में उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया जैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल फॉर्म फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना, यानी रुडोल्फ विर्चोस साहब आए 1855 में और उन्होंने ये बताया, पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल जो होती है डिवाइड करेगी और वो नई सेल बनाएगी, कहाँ से बनाएगी, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से पाई जाने वाली, ठीक है, जो सेल पहले से पाई जा रही है उसी से वही सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और नई सेल बनाएगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ जो सेल बनेगी, सेल कहाँ से बनेगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चोस साहब ने बताया, कब बताया, 1855 में बताया, ठीक है, 1855 में बताया। तो उन्होंने जो सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसके लिए एक ये दिया, उसको क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये याद रखेंगे, ये हमसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चोस साहब ने दिया था 1855 में, ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया, और ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डन एंड सॉन, है ना, सिल्डन और सॉन साहब की इन्होंने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया। सिल्डन और सॉन साहब ने क्या बताया था कि जो सेल कंपोज ऑफ सेल यानी सेल जो बनी होगी सारी प्लांट और एनिमल की सेल बनी होगी तो वो कंपोज ऑफ सेल से बनी होगी, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होगी, है ना। तो इन्होंने मॉडिफाई किया सिल्डन एंड सॉन की सेल थ्योरी को, है ना, सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया और उसको क्या दिया, फाइनल शेप दिया। इनका काम क्या किया, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी ऑफ सिल्डन एंड सॉन एंड गिव द सेल फाइनल शेप, है ना, जिसको आज हम ऐसे समझते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, है ना। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया सिल्डन एंड सॉन को और बोला कि सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी सेल जो होती है कंपोज ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी सेल से मिलकर बनी होगी और सेल की बनी होगी, ठीक है। और सेकेंड क्या दिया उन्होंने, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो सारी की सारी सेल जो बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, यानी पहले से पाई जाने वाली सेल से ही बनेगी, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये हमने सेल थ्योरी के बारे में देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसके में हम ओवरव्यू ऑफ द सेल के बारे में देखेंगे, सेल का ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या पाया जाता है सेल में, सारे की सारे इन डिटेल्स में बात करेंगे। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इफ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। सो टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।